नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई समेत राज्य के कुछ अन्य इलाकों में मीजल्स यानी कि खसरे की बीमारी बड़ा खतरा बनती जा रही है। मुंबई में गुरुवार को खसरे के 19 नए मामले दर्ज हुए थे और खसरे से पीड़ित 8 महीने के एक बच्चे की मौत भी हुई थी। बीएमसी के मुताबिक गुरुवार को कम से कम 34 नए खसरा रोगियों को शहर के सिविक या राज्य द्वारा संचालित सरकारी अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जबकि इस दौरान 36 रोगियों की छुट्टी कर दी गई। खसरे के मामलों में अचानक से बढ़ोतरी हो जाने के बाद WHO ने भी ये माना है कि ये वायरल संक्रमण वैश्विक स्तर पर सबसे बड़े खतरों में से एक बनकर उभरा है। हाल ही में WHO ने एक स्टेटमेंट दिया और उसमें कहा कि अब दुनिया भर के अलग अलग क्षेत्रों में खसरे के फैलने का एक आसन्न खतरा है। लगभग 40 मिलियन बच्चे पिछले साल खसरे के टीके की खुराक लेने से चूक गए थे। इस तरह की आशंकाओं के बीच खसरे के वायरस के लक्षणों और उपचारों के बारे में जानना अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है ताकि इसके खिलाफ एहतियाती उपाय किए जा सकें। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर खसरे की बीमारी क्या है, होती कैसे है, इसके लक्षण क्या है और इसका इलाज कैसे किया जा सकता है। WHO के मुताबिक खसरा एक अत्यधिक संक्रामक वायरस के कारण होने वाली गंभीर बीमारी है। 1963 में जब खसरे के टीके की शुरुआत हुई थी तब ये बड़ी महामारी लगभग हर 2-3 साल में होती थी और खसरे से हर साल अनुमानित 2.6 मिलियन यानी कि 26 लाख मौतें हो जाती थी। खसरा एक मानव रोग है। ये पैरामाइक्सो वायरस परिवार में से एक वायरस की वजह से होता है और ये आम तौर पर सीधे संपर्क में आने और हवा के जरिए फैल जाता है। वायरस श्वसन पथ को यानी कि हमारी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होती है उसको संक्रमित करता है और फिर पूरे शरीर में धीरे धीरे फैल जाता है। इसकी चपेट में सबसे ज़्यादा छोटे बच्चे ही आते हैं। अगर किसी बच्चे को खसरा हो जाए तो इसका पहला लक्षण आमतौर पर तेज बुखार होता है जो वायरस के संपर्क में आने के लगभग 10 से 12 दिनों के बाद शुरू होता है। ये बुखार आमतौर पर 4 से 7 दिनों तक बरकरार रहता है। शुरुआत में नाक बहने लगती है, खांसी आने लगती है, आंखें लाल हो जाती हैं और पानी भी निकलने लगता है। गालों में छोटे सफ़ेद धब्बे होने लगते हैं, कई बार लाल धब्बे भी देखे जाते हैं। कई दिनों के बाद आमतौर पर चेहरे और ऊपरी गर्दन पर दाने होने लग जाते हैं और ये दाने 3 दिनों में बाकी शरीर के हिस्सों में भी फैलने लगते हैं। दाने वायरस के संपर्क में आने के 14 दिन के बाद होते हैं। ज़्यादातर खसरे से संबंधित मौतें बीमारी से जुड़ी जटिलताओं के कारण होती हैं। 5 साल से कम उम्र के बच्चों या 30 साल से ज़्यादा उम्र के वयस्कों में गंभीर जटिलताएँ ज़्यादा आम हैं। बात अगर इसके इलाज की करें तो इस वायरस के कॉन्टैक्ट में आने के बाद आपको सबसे पहले तो भरपूर आराम करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि आपके शरीर को पूरी तरह से ठीक होने के लिए इसमें समय चाहिए होता है। आमतौर पर एक व्यक्ति 10 से 15 दिनों के अंदर इस संक्रमण से ठीक हो जाता है। पर्याप्त तरल पदार्थ पीना और विटामिन ए की खुराक लेना भी इसमें आवश्यक है क्योंकि ये खसरे की जटिलताओं को काफ़ी हद तक कम कर सकता है। तो इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। खसरे से जुड़ी पूरी जानकारी पर आपका क्या कहना है कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।